न्यू iPads आर लॉन्चिंग। तो जो पुराना लाइनअप था वो कुछ एक डेढ़ साल पहले लॉन्च हुआ था। जो नया लाइनअप है वो 7 मई को लॉन्च होगा। लेट लूज इवेंट का नाम है और इसमें कुछ नए एक्सेसरीज भी लॉन्च होंगे जैसे कि एप्पल पेंसिल वगैरह। अब क्या क्या अपग्रेड्स आए हैं और क्या होने वाला है इवेंट में, वही मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को तो एंड तक देखो ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखो, सबसे पहले दो मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, iPad Pro 2024 मॉडल और दूसरा है iPad Air का नया वाला वर्जन। अब सबसे बड़ा अपग्रेड जो है वो है OLED पैनल्स का। OLED पैनल्स मतलब आपके ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स, डीपर ब्लैक्स और एनर्जी एफिशिएंसी में भी हेल्प होगी। इसी वजह से एप्पल ने जो इसका लॉन्च है वो डिले कर दिया है, बट OLED पैनल्स आपको सिर्फ iPad Pro पे मिलेंगे। अब देखो, बेजल्स की बात करें तो वो भी कुछ 15% थिन होंगे, जिसकी वजह से काफी स्लीक और मॉडर्न लुक आएगी। अब कैमरा की बात करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा बग फिक्स कर दिया है। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा था वो पहले साइड में था, उसको अब मिडिल में इन्होंने प्लेस कर दिया है। इसके अलावा पहले LCD पैनल्स होते थे, अब मिनी LED पैनल्स होंगे, तो वो भी एक अपग्रेड मान सकते हैं। देखो, सबसे कूल अपग्रेड है चिपसेट्स का। तो इस बार M3 चिपसेट्स आएंगे दोनों में, iPad Pro और Air में। तो ये एक बढ़िया बूस्टेड परफॉर्मेंस वाला अपग्रेड मान सकते हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग M4 भी आ सकता है, लेकिन सीधा M4 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। एप्पल ने कहीं भी लॉन्च नहीं किया है और सीधे iPad में दे देना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखो, दो साइजेस में आएगा। iPad Pro मॉडल्स की बात करें तो उसमें एक 12.9 इंच मॉडल होगा और एक स्टैंडर्ड 10.9 इंच मॉडल होने वाला है। Air को भी थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया है इस बारी, उसमें भी एक 12.9 इंच का मॉडल होगा और एक स्टैंडर्ड 10.9 इंच का मॉडल होगा। बाकी ग्लास बैक पैनल मिलेगा ताकि MagSafe चार्जिंग को इनेबल कर सके। अब देखो, नए iPad मॉडल्स के साथ मैजिक कीबोर्ड और एप्पल पेंसिल के भी रीवैम्प्ड वर्जन लॉन्च होंगे। जो मैजिक कीबोर्ड है उसमें नया ट्रैक पैड आएगा एल्यूमिनियम फिनिश के साथ, तो एस्थेटिक्स भी बढ़िया लगेंगे। एप्पल पेंसिल में भी दो नए फीचर्स लॉन्च हो रहे हैं, स्क्वीज जेस्चर एंड फाइंड माई नेटवर्क, जिससे ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस जो है वो इनहांस होगा। प्राइसिंग की बात करेंगे तो जो इनका स्टैंडर्ड मॉडल है, जो 10.9 इंच मॉडल है, वो $599 पे लॉन्च होगा, विच इज समवेयर अराउंड 50,000 रुपीस। तो इंडिया में कुछ 60,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। बाकी यार, अभी हमें इंडिया प्राइसिंग का वेट करना पड़ेगा, जब तक लॉन्च नहीं हो जाता तब तक। देखो, इतना ही है इवेंट में, बाकी WWDC के लिए वेट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। उसमें iOS 18 आएगा, जिसमें AI फीचर्स आने की बात हो रही है, तो उसका वेट है। बाकी की वॉचिंग गैजेट टाइम्स, क्योंकि हम आते रहेंगे ऐसे अपडेट्स के साथ। एंड दिस इज अंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।